अब बात कर लेते हैं शुभ रतन की। पुखराज सबसे शुभ रतन है, पीतमणि भी कहा गया, सुनेला भी कहा गया है, मगर पुखराज सबसे उत्तम रतन। नेचुरल शफायर जिसको बोलते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी हाई क्वालिटी का नेचुरल शफायर इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं, मगर हमारी दृष्टि से, अगर एक वैद्य की दृष्टि से कहेंगे तो हम गले में पहनाते हैं। हमने बताया था कि कफ प्रवृत्ति प्रकृति का जो हिसाब है वो हम नहीं करते। शुभ रतन बताया हमने, पीला कोई भी स्टोन भी होता है वो भी पहन सकते हैं, बहुत महंगा ही पुखराज नहीं पहना है। और उसके अलावा अगर आपने बृहस्पति को अच्छा रखना है तो पीली चीज़ें अपने घर के ईशान में लगा लो, बस पीला बल्फ लगा लो, पॉजिटिव एनर्जी उसमें अंदर आएगी। पीला रंग आपके लिए बहुत सुटेबल है, इसको लगाने से आपकी राशि बलवान होती है। अब बात करते हैं उस महा उपाय की जिसके करने से आपके जीवन में बृहस्पति की कृपा होती है। 1.25 मीटर पीला कपड़ा लीजिए, 250 ग्राम चने की दाल, केले ले लीजिए, साबुत हल्दी ले लीजिए 12 पीले फूल ले लीजिए, एक सोटी एक खड़ाऊ ले लीजिए, गुड़ और घी, केले की फली गुड़ घी, पित्तनाशक है घी, घी जो है पित्तनाशक है, पित्त का नाश करता है घी। मगर घी भी सुन लीजिए कैसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण जो घी खाते थे वो वाला घी मानते हैं हम, आयुर्वेद ने उसको ही मान्यता दी है, ये तो अब आ गया। जो चरक जी ने हमारे लिखा है, भागवत जी ने जो लिखा है वो घी लिखा है, सुश्रुत ने भी लिखा है वही घी है, वो जो गोला बना के खाते थे ना जिसका, वो वाला घी कहा गया है, इस घी की नहीं नाम, वो आपका पित्त का नाश करेगा, उसको खा के देखिए अच्छा एक चम्मच, आपका पित्त एकदम डाउन हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिसको एसिडिटी बन रही है ना, ठंडा नॉर्मल जो दूध होता है, ठंडा हल्का नॉर्मल दूध वो ले लेते हैं, तो बॉडी क्या करती है उसे गर्म करती है, गर्म करने में उसके अंदर से घी निकाल लेती है, थोड़ा बहुत घी निकल जाता है तो वो आपका पित्त शांत हो जाता है। ये आयुर्वेदिक फार्मूले हैं। अब घी का दान देना है आपने कि आपका कंट्रोल कौन है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो निकलेगा। दानम लब्धा परम शांति, आपको परम शांति चाहिए तो उसी चीज़ का दान दीजिए, जिस चीज़ का दान देंगे। एक कपड़े में बांध लीजिए, पुजारी जी को खड़ाऊ सहित भेंट दे दीजिए और कहना क्या है आपने, हरि ओम तत्सत, इसका फल विष्णु को मिले, आपसे विष्णु का ज्वाइंट अकाउंट हो जाएगा। जब आपका विष्णु से ज्वाइंट अकाउंट हो जाएगा तो फिर आपको जरूरत हो आप ले लीजिए, उनका जरूरत वो ले लेंगे, फिर तो आपकी कायाकल्प हो गई। तो आज हमने जाना धनु राशि वालों के लिए, जब हमारी आगे मुलाकात होगी तो हम मकर राशि की बात करेंगे, तब आपको बताएंगे उनके गुण और उनके बारे में। तब तक के लीजिए मुझे इजाज़त, जय श्री कृष्ण।